अब क्या हनीमून को भी बिगाड़ना चाहती है? सारी तैयारी कर रखी है यार। सर नहीं मां, हर चीज में अपना फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता है। वहां सारी अपनी जिंदगी, वहां सारी जिंदगी में मौत। अरे अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तू डॉक्टर है क्या जो साहिल को सब याद दिला देगी? अरे मां छोड़िए मुझे। रुक, देख 10 लोग हैं उसे संभालने के वास्ते, पूरा परिवार खड़ा है उसके साथ, तू काहे घुसी जा रही है बीच में? है अपनी शादी को संभाल, सुहाग रात तो चौपट कर दी तूने, अब क्या अपना हनीमून भी बिगाड़ेगी? कितनी तैयारी कर रखी है। बस करिए मां, हर चीज में अपना फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता है। साहिल वहां जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि यश ने उसे धक्का मारा। ऐसा भी क्या गुस्सा? अरे नहीं आएगा था गुस्सा, क्या तमाशा किया उस साहिल ने तेरी शादी पे, भूल गई क्या? और फिर उसने कौन सा जानबूझकर मारा था उसे? हा? वो तो सब गलती से ही हुआ है ना। सुन के दिखा, बस कर अब, उस लड़के को उसके हाल पर छोड़ दे और अपनी शादी को निभा। अरे ये यश बिगड़ गया ना तो कहीं गुस्से में आके हमें उस कबूतर खाने में ना भेज दे वापस। अरे वहां तो एसी भी नहीं है और इस ऐशो आराम के बाद हम वहां कैसे रहेंगे? हद कर दी है आप माँ, हद कर दी है। आगे मुझे मेरी जिम्मेदारी है। रेडी सर, रेडी सर। और इस ऐशो आराम के बाद हम वहां कैसे रहेंगे? हद कर दी है आप माँ, हद कर दी है। मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाने की जरूरत नहीं, एक माँ बेटी और पत्नी से पहले एक इंसान हूं मैं, और इंसानियत के नाते किसी को मरता छोड़ के नहीं जा सकती हूँ मैं। आपके ऐश आराम से ज्यादा साहिल की जिंदगी कीमती है मेरे लिए। सॉरी बहुत आ गया था। हाँ फर्स्ट टाइम भी, लेकिन मैं तो दौड़ूंगी ना। हाँ मैं वापस ले आई थी। हाँ लेकर आ गई हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा। आपके ऐश आराम से ज्यादा साहिल की जान कीमती है मेरे लिए। Yes, please. तुम तो समझो मेरी बात। जो अब होगा। ये यश तुम सोचो, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, पर सच यही है कि तुम्हारे धक्के मारने से वो गिरा है और अब वो कुमा में इस हालत से बाहर निकालने के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से उसकी मदद कर रही है? सच में या कोई और वजह? तुम वजह जानना चाहते हो ना? ठीक है, पहली वजह ये कि उसने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है कि मैं गिनवा नहीं सकती। दूसरी वजह कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ साल की वजह से। तीसरी वजह कि साहिल की जो हालत है उसके लिए मेरा पति जिम्मेदार है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हारे साथ मेरे लिए है। मैं
मंगलसूत्र और चंदन की कीमत है मुझे, इस पर आंच नहीं आने दूंगी। जो हुआ वो गलती से हुआ, ये मैं जानती हूँ, पर धक्का तुम्हारी वजह से ही लगा और साइकिल गिरा, इसलिए वो घुमा में चला गया। क्या उसे हालत में मैं उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? इनकी वजह से उसकी मदद करे ना तुम, सच में देखा या कोई और वजह? मैं वजह चाहिए खाने दूंगी। ओके साड़ी, माय हस्बैंड वांट्स टू सी मी इन अनदर साड़ी। साहिल कोमा में चला गया है क्योंकि थोड़ी सी हाथापाई हुई यश और साहिल के बीच में, और गलती से यश ने साहिल को धक्का मार दिया और साहिल गिर गया और वो कोमा में चला गया। तो ये डॉक्टर ने भी कहा है और वेदिका को भी पता है कि पुरानी यादें या पुरानी चीज़ें, दे कैन हियर, कोमा में जो होता है दे कैन हियर, तो उन्हें पुरानी बातें बोलो या कुछ पुरानी यादें उन्हें याद दिलवाएं, तो शायद वो वापस आने में थोड़ी सी, बिकॉज 24 आवर्स में उसको वापस लाना है, ये पॉइंट है। तो बस वो साड़ी लेके जा रही है साहिल के पास। वो क्या है कि ऐशो आराम और ऐसे पैसे की फिक्र नहीं हो वैसी वाली लाइफ ज़्यादा प्रेफर करती है, तो वो वही बताने की कोशिश करी है कि आज की रात तो तू मत कर ऐसा। एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें।